दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्नेक लेडी मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1997 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ सोल्जर्स अपने कैप्टन के साथ जंगल से गुजर रहे होते हैं। इसी दौरान एक सांप उनके राफ्ट पर चढ़ जाता है, जिससे गाँव के आदमी के मना करने के बावजूद सोल्जर उस सांप को मार देता है। इसी वजह से जंगल में मौजूद सारे सांप उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, इसलिए वो लोग मिलकर सभी सांपों को रोकने के लिए और राफ्ट से दूर रखने के लिए उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से सभी सांप वहां से चले जाते हैं। उसी दौरान एक बहुत ही बड़ा पायथन सोल्जर्स पर अटैक कर देता है, जिससे वो सभी बौखला जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पायथन उनके साथ मौजूद गांव के एक आदमी पर अटैक करके उसे निगल जाता है और बाकी लोगों पर भी हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि सभी सोल्जर्स उस पायथन पर लगातार गोलियों की बौछार करते हैं, लेकिन इस दौरान पायथन कैप्टन का पीछा करने लगता है, जिससे कैप्टन उसे ग्रेनाइट से ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। पर इस चीज का पायथन पर कोई भी असर नहीं होता, बल्कि कैप्टन के साथ मौजूद सोल्जर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी बुरी कंडीशन में बैठा होता है। तभी उसके पास टोंग और उसका दोस्त पहुंचता है, जिनके बात करने से हमें ये पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ग्रे नाइट से जख्मी हुआ सोल्जर है। इसके पास टोंग अपने फादर कैप्टन ली के बारे में जानने के लिए पहुंची थी, क्योंकि उसके फादर उस मिशन पर इसलिए गए थे ताकि वो टोंग की सारी जरूरतों को पूरा कर सके। इस दौरान उस सोल्जर की बातों से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि कैप्टन एक बहुत ही रेयर प्लांट को ढूंढने के लिए उस जंगल की तरफ गया था, लेकिन वो रास्ते में भटक गया और मिस्टीरियस आइलैंड पर पहुंच गए। ये सब जानने के बाद टोंग अपने फादर का पता लगाने का फैसला करती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर उसके फादर के साथ क्या हुआ है। साथ ही उस सोल्जर से ये भी पूछती है कि आप वहाँ से बचकर यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो बताता है कि जब पायथन मुझ पर अटैक करने वाला था, तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची पहुँच कर बांसुरी बजाने लगी, जिससे पायथन बिना मुझे कोई नुकसान पहुँचाए वहाँ से चला गया। जिसके बाद उन लोगों ने मुझे वहाँ से निकलने के लिए एक मैप दिया, साथ ही अपनी निशानी के तौर पर एक ब्रेसलेट भी दिया था, जिसकी मदद से यहाँ तक मैं वापस आ सका। फिर वो सोल्जर मैप के साथ साथ वो ब्रेसलेट भी टोंग को दे देता है, ताकि उसे आइलैंड पर पहुँचने में मदद मिल सके। जिसके बाद टोंग अपने साथियों के साथ आइलैंड की तरफ निकल पड़ती है। इस दौरान वो सारी चीजें रिकॉर्ड करने के लिए एक फोटोग्राफर को भी अपने साथ लाई होती है, और सुरक्षा के लिए लियोन भी अपने दो फाइटर दोस्तों को लेकर आया होता है। और क्योंकि वो लोग राफ्ट की मदद से ही आगे बढ़ने लगते हैं, तो उनके पास भी एक पानी का सांप आता है, जिसे उनकी दोस्त मारने की कोशिश करती है, लेकिन लियोन ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि ये पानी के सांप हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ हमें गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लड़की अपने गांव वासी को बिना इजाजत के स्नेक आइलैंड से भागने की सजा देने के तौर पर उसका एक कान बुरी तरह से काट देती है। इधर वो सभी लोग जंगल से होते हुए गांव में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें वही लड़की मिलती है जिसका नाम लैन होता है, जो अपनी बहन शाशा और अपने एक साथी बाटू के साथ रहा करती थी। इस दौरान शाशा सभी लोगों को वापस जाने के लिए कहती है और बताती है कि यहां पर कोई भी पायथन नहीं है। तो इस बात पर वो लोग कहते हैं कि यहां तो ना नेटवर्क है और ना ही हमारे पास हमारी बोट है, जिसे हमें वापस जाने के लिए 3 दिन का वक्त लगेगा, जब तक हमारी बोट वापस आ जाएगी। और इसी वजह से मजबूरन लेन उन्हें अपने घर में रुकने की इजाजत दे देती है। फिर डिनर के दौरान टोंग लेन को वो ब्रेसलेट दिखाती है जो सोल्जर ने उसे दिया था, जिसे देखकर लेन काफी दुखी होती है और वहां से चली जाती है, जिसे हमें पता चलता है कि वही लड़कियां हैं जिन्होंने बचपन में सोल्जर की जान बचाई थी। नेक्स्ट सीन हमें गांव के लोगों का दिखाया जाता है, जिनसे लेन गांव में आए हुए लोगों को मारने के लिए कहती है, ताकि उनके बारे में किसी को भी कुछ पता ना चल सके। इस दौरान लेन ये भी कहती है कि तुम लोगों ने मेरे पिता को मार दिया, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर हमें पता चलता है कि लेन के फादर मर चुके हैं और वो उनकी मौत का बदला लेना चाहती है। फिर अगली सुबह वो सभी वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में गांव वाले उन पर अटैक कर देते हैं, जो कि काफी अजीब बात थी। और इससे पहले कि गांव वाले उन्हें मार पाते, गांव वालों पर एक अनजान आदमी हमला कर देता है और उन्हें एक एक करके बुरी तरह से पीटने लगता है। तभी वहां पर पायथन पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। लेकिन पायथन के हमला करने से पहले वो अनजान आदमी पायथन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिससे बाकी सभी लोगों की जान बच सके। इन सब चीजों की वजह से वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वापस से लेन के घर पहुंचते हैं, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते थे कि लेन ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। फिर रात के वक्त हम
कैमरामैन को देखते हैं जो नहाने के लिए नदी के किनारे पहुंचता है, तो वहां उसे लेन दिखाई देती है जो कैमरामैन को देख लेती है और उसे नहाने के लिए अपने पास बुलाती है, जिससे जब कैमरामैन उसके पास पहुंचता है तो वहां पर एक सांप के डसने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर उसे ढूंढते हुए वहां हुआ पहुंच जाता है जो उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन हुआ को एहसास हो जाता है कि कैमरामैन की हालत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए वो उसे इलाज के लिए शाशा के पास ले जाता है। तो वो बताती है कि इसके शरीर में पहले से ही जहर फैल चुका है और अगर हमें इसकी जान बचानी है तो हमें एक ऐसे पौधे की जरूरत है जो बहुत ही ज्यादा रेयर है। और इस दौरान वो पौधा एक ऐसी गुफा में है जहाँ बहुत ही भयानक पाइथन रहता है। ये सब जानने के बावजूद कैमरामैन की जान बचाने के लिए सभी लोग अगले दिन शाशा के साथ उस जगह पर जाने और उस पौधे को लाने का फैसला करते हैं। हालांकि इस बात से लेन बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि शाशा तुमने उन लोगों को उस पौधे के बारे में क्यों बताया। हालांकि यहां पर वो अपनी बहन को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि वो सभी मासूम है और उनकी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए आप उन्हें इस तरह से मत मारो। लेकिन लेन पर इन सब बातों का कोई भी असर नहीं था। यहां पर हम देखते हैं कि लेन के मना करने के बावजूद शाशा अगले दिन टोंग और उसके साथियों के साथ उस पौधे को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जिस बात से गुस्से में लेन पाटू से उन सभी लोगों को जंगल में ही मारने के लिए कहती है। इधर सभी लोग बड़ी मुश्किलों से गुफा तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही गुफा में मौजूद सांप बाहर निकलता है तो वो सभी गुफा के अंदर जाने की तैयारी करने लगते हैं। इस दौरान टोंग के पूछने पर शाशा बताती है कि मेरे डैड जंगल से एक सांप का अंडा लेकर आए थे जिसके टूटने का हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, और फिर उसमें से जैसे ही एक सांप निकला तो गांव वालों ने हमें सांप पालता हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और हमारे फादर को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। यही वजह है कि मेरी बहन लैन इंसानों से नफरत करती है और उसे लोगों का दयालु होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इस दौरान उन सभी लोगों के पास कैमरामैन का कैमरा भी होता है, जिसे देखकर वो सभी काफी हैरान होते हैं क्योंकि उसमें रिकॉर्ड हो गया था कि लेन ने ही कैमरामैन को अपनी बातों में फंसा कर उसे सांप से कटवाया था। इस दौरान शाशा बताती है कि मेरी बहन तुम सभी लोगों को मारना चाहती है, इसलिए हमें यहां से जल्दी जड़ी बूटी लेकर चलना चाहिए, नहीं तो वो गांव में मौजूद जीना और कैमरामैन दोनों को ही मार देंगे। जिसके बाद वो सभी गुफा के अंदर रस्सी की मदद से उतरते हैं तो बाहर लियोन का दोस्त पहरा देने के लिए ही रुक जाता है, जिस पर वहां छुपा हुआ बाटू अटैक करके उसे मार देता है और बाकी लोगों की भी रस्सियां काटने लगता है। लेकिन तभी वहां पर फिर से वही अनजान आदमी पहुंच जाता है जो बाटू को ऐसा करने से रोक लेता है, जिससे वो वहां से भाग निकलता है। उसी समय गुफा के अंदर मौजूद सभी लोग किसी तरह से नीचे तक तो पहुंच जाते हैं। फिर हमें गांव का सीन दिखाया जाता है जहां पर जीना जब कैमरामैन की रखवाली कर रही होती है, तभी लैन उसके पास पहुंचकर चाकू की नोक से उसे अपना बंदी बना लेती है। इधर गुफा में मौजूद टॉम को गुफा की दीवार पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई दिखाई देती है, जिस बात से वो काफी हैरान होती है। साथ ही उसे एक लॉकेट भी मिलता है जिसमें उसकी अपने डैड के साथ फोटो लगी हुई थी। ये सारी चीजें देखकर टोंग समझ जाती है कि यहाँ कोई और नहीं बल्कि उसके डैड रहते हैं जो कि अभी भी जिंदा है। ये जानकर उसे बहुत खुशी होती है और क्योंकि उन्हें जड़ी बूटी मिल चुकी थी इसलिए वो वहां से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन गुफा के अंदर रखा हुआ पायथन का एक अंडा हुआ का पैर लगने की वजह से टूट जाता है, जिससे गुस्से में वो पायथन उन सभी पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें नुकसान पहुंचा पाता, वहां पर वो अनजान आदमी फिर से आ जाता है, जिसके सीटी बजाने से वो पायथन पूरी तरह से शांत होकर वहीं पर बैठ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अनजान आदमी उस पायथन का मालिक है। और जब टोंग उस आदमी को देखती है तो उसे पहचान में आ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके डैड है, जिन्हें ढूंढने के लिए वो यहाँ तक आई थी। इस दौरान एक दूसरे को देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बुरी तरह से रोने लगते हैं क्योंकि कैप्टन पिछले 25 सालों से अपनी बेटी को देखने का इंतजार कर रहा था। फिर वो बताता है कि जब उसे होश आया तो रास्ता ना मिलने की वजह से उसने जंगल में ही रहने का फैसला किया। इस दौरान उसे एक अंडा भी मिल गया जिसके अंदर से निकलने वाले सांप के साथ वो गुफा में ही रहने लगा। फिर हमें शाशा को दिखाया जाता है जो गांव पहुंचने के बाद अपनी बहन को फिर से समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग बुरे नहीं है, उन्हें यहां से जाने दो। लेकिन लैन उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वहीं किसी को भी आसपास ना देखकर वो सभी लोग कैमरामैन को वो जड़ी बूटी खिलाकर जीना के साथ आजाद कर देते हैं। तभी लैन वहां पहुंचकर एक बांसुरी की मदद से पायथन को बुलाती है, जिसका सामना करने के लिए कैप्टन भी अपने पास मौजूद पायथन को बुला लेता है, जिससे वो दोनों ही पायथन आपस में लड़ने लगते हैं। जिसके बाद कैप्टन जीना के साथ वहीं पर रुक कर लेन और बाटू को रोकने का फैसला करता है, साथ ही बाकी सभी लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है।
फिर कैप्टन एक चाकू की मदद से बाटू का सामना करने लगता है, लेकिन जीना को देखकर लैन इधर उधर भागने लगती है और फिर छुपकर उस पर एक चाकू से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जीना उसका सामना करते उसे चाकू से जख्मी कर देती है। इधर कैप्टन और बाटू चाकू से हमला करके एक दूसरे को घायल कर देते हैं, जिसके बाद हम टोंग को देखते हैं जो अपने फादर को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए वापस जाने लगती है। और जैसे ही टोंग वहाँ पहुँचती है, बाटू और कैप्टन एक दूसरे के सीने पर चाकू मार देते हैं, जिसे बाटू तो वहीं पर मारा जाता है और कैप्टन की भी हालत काफी खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लेन का पाइथन कैप्टन के पाइथन को मार कर लेन को बचाने के लिए पहुंच जाता है और जीना को निगलने ही वाला होता है, लेकिन उसे बचाने के लिए शाशा पाइथन के सामने आ जाती है। इधर टोंग के देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने उसके फादर बहुत ही बेरहमी से मारे जाते हैं और इस बात से वो काफी दुखी होती है। इधर जीना के हाथ एक ग्रेनाइट लग जाता है, जिसकी हेल्प से वो पाइथन को घायल कर देती है और इसी वजह से वो पाइथन बेकाबू हो जाता है और उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए वो जीना को खाने के बजाय लैन को ही निगल जाता है, जिसके बाद जीना शाशा को लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग टोंग और लियोन के साथ आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर फिर से वही जख्मी पाइथन पहुँच जाता है जो उन्हें घेर लेता है। तभी एक बहुत ही भयानक हलचल होने की वजह से वो पाइथन डर कर वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि पानी से एक बहुत ही बड़ा और भयानक सांप निकलता है जो बिना किसी को नुकसान पहुँचाए वापस से पानी के अंदर चला जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आते वक्त जब लियोन और उसके साथियों ने नदी के सांपों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, यही वजह थी कि स्नेक गॉड भी उन लोगों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से वापस चला गया था। नेक्स्ट सीन में टोंग अपने डैड को स्नेक आइलैंड में ही दफना देती है और फिर सभी लोगों के साथ सही सलामत वहां से निकल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन और स्टोरी जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।